हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर बुक के अगले चैप्टर के बारे में। इसका टाइटल है फाइट मंजू फाइट। टाइटल से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कोई ऐसी वाली फाइट है, पर नहीं, ये ऐसी फाइट बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली ये फाइट है अपने लाइफ के चैलेंजेस और अपनी फिजिकल डिसेबिलिटीज से। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर इस कहानी में है क्या। तो ये कहानी है मंजुला पारेलकर की, जिसे प्यार से मंजू कहकर पुकारा जाता है। मंजू एक हैंडीकैप्ड यानी दिव्यांग लड़की है। पेंटिंग करना उसकी हॉबी थी और वो बड़ी होकर एक पेंटर बनना चाहती थी। ये कहानी है उसी के स्ट्रगल की। इसकी ऑथर है सिकरुन श्रीवास्तव। ये एक इंडियन ऑथर है, साथ ही में ये एक आर्टिस्ट, राइटर और स्कल्प्टर भी हैं। इन्होंने 25 से ज़्यादा किताबें लिखी है। इनकी कहानियाँ मेनली 12 से 14 साल के बच्चों के लिए होती है। इनका एक बहुत ही फेमस बुक है ए मोमेंट ऑफ ट्रुथ, जिसमें इन्होंने दुनिया भर की ट्रू स्टोरीज लिखी है। इन्होंने मेनली फोकस किया है डिफरेंटली एबल्ड लोगों पर और पॉवर्टी पे। इन्होंने सिनेमा और टेलीविज़न में बच्चों की फिल्म के लिए कई स्क्रिप्ट भी लिखे हैं। इस कहानी को पढ़ते हुए हम दो महान हस्तियों से रूबरू होंगे, तो पहले उन्हीं के बारे में जान लेते हैं। पहले हैं MF हुसैन। आप सभी लोग इन्हें तो जानते ही होंगे। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक है। इनकी पेंटिंग्स की कीमत आज भी करोड़ों में है। ये रहे इनके द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स। दूसरे हैं रिच पेलंगर। ये एक ऐसे सॉकर प्लेयर थे जो आर्टिफिशियल लेग यानी नकली पांव से खेलते थे। एक एक्सीडेंट में इन्होंने अपने पांव गवा दिए। सॉकर एक तरह का फुटबॉल है। इन दो हस्तियों के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया ताकि आप लोगों को आगे समझने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं मंजू पारेलकर के अलावे और कौन से कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो पहले हैं मिस्टर पारेलकर, मंजू के पिता। दूसरी है मिसेस पारेलकर, मंजू की माँ। और तीसरे हैं अमूल, मंजू का भाई। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। आइए अब शुरू करते हैं इसे। मंजुला पारेलकर जानती थी कि वो हुसैन नहीं है और कभी बन भी नहीं सकती अपने उन मुड़े हुए उंगलियों के साथ। उसके हाथ भी ऐसे क्यों हैं? क्या ये काफ़ी नहीं था कि उसके पैर मुड़े हुए थे? जब भी वो गलत जूते पहनती थी उसके पैरों की उंगलियां आपस में रगड़न खाने लगती थी। और वो अक्सर गलत जूते ही पहनती थी क्योंकि मार्केट में उसके पैरों के लायक कोई जूते ही नहीं थे। जब वो उन गलत जूतों को पहनती थी तो उसे बहुत दर्द होता था, लेकिन वो उस दर्द को इग्नोर करती थी क्योंकि उन जूतों में ही वो अपने उन मुड़े हुए पैरों को छुपाती थी। लेकिन वो अपने हाथों को कहाँ छुपाए और कैसे छुपाए? मंजू जानती थी कि वो कभी हुसैन की तरह पेंटिंग नहीं कर सकती, लेकिन वो अच्छा पेंट कर सकती थी। ब्रश को हैंडल करना उसके लिए कोई मुश्किल भरी बात नहीं थी क्योंकि वो उसे पेंसिल की तरह ही लगते थे। उसके लिए अगर सबसे बड़ी परेशानी की कोई बात थी तो ये थी कि उसे जो चीज़ें चाहिए थी उन सबके कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई थे। एक शाम किचन में मंजू अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी, तभी वो उनसे पूछती है, मम्मी क्या आपको लगता है कि मैं? इतना बोलते बोलते वो शांत हो गई। फिर उसने धीरे से कहा, क्या कल मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं? उसकी माँ ने बर्तन धोते हुए उससे प्यार से पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए पैसे? दरवाजे के पास खड़ा मंजू का भाई यानी अमूल मंजू के बोलने से पहले ही बीच में बोल पड़ा, आइसक्रीम के लिए। और दरवाजे पर जोर जोर से हाथ पीटता हुआ बोलने लगा, वी वॉन्ट आइसक्रीम, वी वॉन्ट आइसक्रीम। अमूल को इग्नोर करते हुए उसकी मम्मी ने उससे फिर से पूछा, तुम्हें पैसे क्यों चाहिए मंजुला? इस पर मंजू ने कहा, मुझे कलर्स और पेंट के लिए पैसे चाहिए मम्मी, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ। उसकी माँ को यकीन नहीं हो रहा था कि वो वाकई में पेंटिंग करना चाहती है, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, पेंटिंग? फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन तुम? शायद उनका ध्यान मंजू के फिजिकल डिसेबिलिटी पे चला गया हो, लेकिन फिर उन्होंने बात को बदलते हुए कहा, वाह ये तो बहुत अच्छी हॉबी है। फिर मंजू ने धीरे से कहा, ये हॉबी से ज़्यादा है मम्मा,
मिसेस पारेलकर अपनी बेटी की तरफ बड़े आश्चर्य से देख रही थी। उन्होंने नल बंद किया और किचन के कबर्ड की तरफ चली गई। वहां उन्होंने सबसे ऊपर वाली अलमारी से एक मेटल का टी बॉक्स निकाला और उसे मंजुला को दिखाते हुए कहा, ये मेरा पिगी बैंक है, इसके छुपाने की जगह किसी को मत बताना। फिर उन्होंने कुछ नोट निकाले और मंजुला के हाथों में रख दिया। जाओ और तुम्हें जो भी चाहिए वो जाके खरीद लो और मुझे अपनी पेंटिंग ज़रूर दिखाना। अगले दिन मंजुला ने अपनी पहली पेंटिंग अपनी माँ को दिखाई। मंजुला की माँ जो स्वेटर बुन रही थी, उन्होंने स्वेटर को साइड में रखा और मंजुला की पेंटिंग देखते हुए आश्चर्य से बोल पड़ी, मंजुला मुझे नहीं पता था कि तुम इतना खूबसूरत बना सकती हो। फिर मंजुला अपनी माँ से डाउटफुली पूछती है, क्या आपको सच में ऐसा लगता है? फिर मंजुला की माँ उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, ऑफकोर्स डियर, ये एकदम परफेक्ट है। मंजुला खुश होते हुए कहती है, ओ माँ, ये तो बस शुरुआत है, मैं तो इससे भी खूबसूरत बनाऊंगी। उसकी माँ उसे पेंटिंग लौटाते हुए कहती है, मुझे भरोसा है कि तुम इससे भी अच्छा बना लोगी, तुम्हें इसे पापा को दिखाना चाहिए, वे खुश हो जाएंगे। जब मंजुला अपनी पेंटिंग अपने पापा को दिखाती है तो वो अपना चश्मा ठीक करते हुए और उसकी पेंटिंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, वेल डन, वेरी गुड, अच्छी पेंटिंग है, देखो देखो तुम क्या कर सकती हो। भले ही उन्होंने मंजुला के हाथ की तरफ इशारा ना किया हो, लेकिन मंजुला को पता था कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। वो अपने डिसेबल होने के दर्द को जानती थी, लेकिन उसे भी अब इस चीज़ की आदत हो चुकी थी। फिर उसके पिता वहाँ अपनी पसंदीदा चेयर पर बैठते हुए उससे कहते हैं, कीप इट अप। फिर उन्होंने मिसेस पारेलकर को आवाज़ लगाते हुए कहा, क्या चाय तैयार है? तभी मंजुला का भाई अमूल उसके हाथों से पेंटिंग छीनता हुआ उससे कहता है, तुम उसे फ्रेम क्यों नहीं करवा लेती, या फिर तुम उसे बेच क्यों नहीं देती? फिर जैसे आप लोगों ने टीवी में देखा होगा कि लोग बोली कैसे लगाते हैं किसी घर की या किसी प्लॉट की, वैसे ही ठीक अमूल भी यहाँ पे उसकी पेंटिंग की बोली लगाने की नौटंकी करने लगा। 2000 रुपीज़ है, कोई इससे ज़्यादा दे सकता है? 2001, 2002। तभी उसकी माँ उसे डांटते हुए कहती है, अमोल अभी के अभी पेंटिंग नीचे रखो और मुझे बताओ क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? बस एक होमवर्क वर्ड ही काफ़ी था अमोल को शांत कराने के लिए। होमवर्क का नाम सुनते ही वो अपने कमरे में चला गया। मंजुला फिर अपने पेंट और ब्रश को लिए दूसरी दुनिया में खो गई। ये दुनिया बहुत ही ब्राइट और कलरफुल थी, यहाँ सारी चीज़ें परफेक्ट शेप में थी। ये दुनिया ही एक ऐसी दुनिया थी जहाँ मंजुला हमेशा रहना चाहती थी। किसी ने मंजुला से नहीं पूछा कि उसे अपने 13th बर्थडे पे क्या चाहिए, लेकिन उसे वो सारी चीज़ें मिल गई जो उसने सीक्रेटली विश किए थे। जब मंजुला अपना गिफ्ट देखती है तो वो खुश होते हुए कहती है, ओह मम्मी मम्मी, आर्टिस्ट वाटर कलर का सेट, थैंक यू सो मच। उसकी माँ फिर उसे एक बुक देते हुए उसे कहती है, और ये तुम्हारे पापा की तरफ से। मंजुला एकदम खुशी में उछलते हुए कहती है, पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, ओह पापा, मैंने तो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। मंजुला का भाई उसे एक बड़ा सा पार्सल देता हुआ जो पूरी तरह से पैक था उससे कहता है, तुमने तो इसके बारे में भी नहीं सोचा होगा। मंजुला उसे शक भरी निगाहों से देख रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सच में उसे गिफ्ट दे रहा है या फिर बस उसे परेशान कर रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि आज उसके जन्मदिन पर उसका भाई उसे परेशान नहीं करेगा। उसने उस गिफ्ट बॉक्स को खोलना शुरू किया। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था उन पैक किए हुए गांठ को बार बार खोलना। वो कैंची लाकर सारे गांठ को काटने वाली थी, लेकिन तभी पीछे से अमोल बोल पड़ा, क्यों, ये जस्ट फन है, तुम इसे खोलते जाओ। मंजुला सोचती है, ये कोई फन नहीं, ये टॉर्चर है, डब्बे के अंदर डब्बा। वो टोटल 11 गांठ खोल चुकी थी। फाइनली उसे बॉक्स के अंदर एक छोटा सा स्लिप मिला जिस पे लिखा हुआ था, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अमोल मंजुला से 1 साल ही छोटा था, लेकिन उसे कभी कभी लगता था जैसे वो उससे 100 साल बड़ी हो। फिर अमोल उसे कुछ देता हुआ और उससे कहता है, पढ़ो इसे। वो उसे पढ़ती है, उस पे लिखा था, अगले क्लू के लिए अपने पिलो के अंदर देखो। मंजुला कहती है, नहीं अब बिल्कुल नहीं, लेकिन उसका भाई उसे खींचता हुआ बेडरूम तक लेके चला जाता है। अमोल उसके लिए उसका तकिया भी हटा देता है और वहाँ पे मंजुला देखती है पिंक रिबन से
तीन वाटर कलर ब्रशेस बंधे हुए थे। उसका भाई फिर उससे कहता है कि ये ब्रशेस ही एक अच्छे आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है। मंजुला जानती थी कि अच्छे वाटर कलर पेंटिंग के लिए उसे स्पेशल वाटर कलर पेपर चाहिए, लेकिन वे बहुत ज्यादा महंगे होते। मंजुला नॉर्मल पेपर पे अपनी पेंटिंग दिखाते हुए माँ से कहती है, मम्मी क्या आपको नहीं लगता कि मैं रियल वाटर कलर पेपर पे इससे भी अच्छा पेंटिंग कर सकती हूँ? आप क्या सोचती हैं इस बारे में? उसकी माँ कहती है, तुम सही बोल रही हो। लेकिन तभी उनका ध्यान उसकी पेंटिंग की तरफ जाता है और वो बोलती है, कितना खूबसूरत लग रहा है, तुमने तो बहुत इम्प्रूव कर लिया है, मैं आज ही तुम्हारे पापा से बात करूँगी। डिनर के बाद जब बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए तो मिसेस पारेलकर अपने हस्बैंड से मंजुला के पेंटिंग के बारे में बात करती है। मंजुला अपने कमरे में थी, उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पापा इतनी ऊंची आवाज़ में क्यों बात कर रहे हैं। वे उसकी मम्मी से इतनी ऊंची आवाज़ में कभी भी बात नहीं करते थे। मंजुला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। मंजुला ने वहाँ पे अपने पापा की आवाज़ सुनी। वे उसकी माँ से बोल रहे थे, स्मिता प्लीज़, वाटर कलर पेपर बहुत महंगे होते हैं और बस उसे एक पेपर की ज़रूरत नहीं होगी, उसे दर्जनों पेपर चाहिए होंगे। कहाँ से हम लाएंगे इतने पैसे? पैसे पेट पे तो उगते नहीं है, उसकी माँ रुआंसे स्वर में बोलती है, मुझे पता है। उसके पापा फिर आगे बोलना शुरू करते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, अमोल को एक नए जूते चाहिए, इस घर के पर्दे भी बदलवाने हैं, मैंने तुम्हें पिछली दिवाली से कोई नई साड़ी लाकर नहीं दी है, तुम्हें क्या लगता है मैं इन सारी चीज़ों को नोटिस नहीं करता हूँ? फिर उसकी माँ धीरे से बोलती है, मुझे नई साड़ी नहीं चाहिए, मेरे पास इतनी साड़ियाँ हैं कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकती हूँ, लेकिन मंजुला के लिए एक पेपर सीट खरीद कर ले आइए। उसके पापा फिर लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, स्मिता स्मिता, ये सिर्फ कुछ सीट की बात नहीं है, वाटर कलर के बाद ऑयल कलर उसे चाहिए होंगे, फिर कैनवास और भी पता नहीं क्या क्या, वो पेंट ही क्यों करना चाहती है, वो कुछ यूज़फुल थिंग क्यों नहीं सीखती, जैसे खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई, अपने उन हाथों से वो कभी भी एक अच्छी आर्टिस्ट नहीं बन सकती। ये सुनकर उसकी माँ रोते हुए उसके पापा से कहती है, प्लीज़ अगली बार से ये कभी मत बोलिएगा, मैं जानती हूँ कि उसके अंदर टैलेंट है, शायद हम इसे किसी पेंटिंग अथॉरिटी को दिखा सकते हैं। मंजुला ये सब सुनकर अपने कमरे में चली आई। अब वो किसी भी अथॉरिटी का वेट नहीं करना चाहती थी कि वे आए और उसकी पेंटिंग को देखें। उसने अपनी सारी पेंटिंग को एक एक करके छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। उसने अपने ब्रशेस और वाटर कलर उठाए और कबर्ड के एक कोने में फेंक दिया। अगले दिन वो किचन में आते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ खाना बनाने में? उसकी माँ उसे आश्चर्य से देखते हुए बोलती है, क्यों मंजू? मंजुला की माँ को शायद इस बात का अंदाज़ा लग गया था कि मंजुला ने कल रात उन दोनों की बातों को सुन लिया हो, इसलिए वो दोबारा मंजू से पूछती है, क्यों मंजू क्यों बोलो? इस पर मंजुला धीरे से कहती है, क्योंकि मुझे लगता है खाना बनाना एक यूज़फुल थिंग है। मंजुला ने फिर धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को सीख लिया जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अमोल अपनी मम्मी से कहता है, मम्मा ये करी बहुत अच्छी है, मुझे थोड़ा और मिलेगा? मिसेस पारेलकर मुस्कुराते हुए कहती है, मंजुला ने बनाया है। मंजू का भाई आश्चर्य से बोलता है, मंजू और कुकिंग, तुम खाना कब से बनाने लग गई? मैंने तो सोचा कि तुम पेंटिंग कर रही होगी। मंजुला अपना सर नीचे किए हुए बोलती है, मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया। अमोल एकदम शॉक्ड हो गया। वो बोलता है, लेकिन क्यों, तुम तो इतना अच्छा पेंटिंग करती थी, तुम पागल हो गई हो? फिर उसके पापा अमोल को चुप कराते हुए कहते हैं, अमोल इस तरह का लैंग्वेज हमारे घर में अलाउड नहीं है। फिर अमोल बोलता है, सॉरी पापा, लेकिन ये ऐसा काम कैसे कर सकती है? मैंने तो सोचा था कि ये नवंबर में हमारे स्कूल में होने वाले ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेगी और वो आसानी से फर्स्ट प्राइज जीत लेती। फिर वो अपनी बहन की तरफ देखता हुआ बोलता है, मंजू तुम उसमें पार्ट क्यों नहीं लेती मेरे लिए? ये सुनकर डाइनिंग टेबल पर सब शांत हो गए, किसी ने एक वर्ड नहीं बोला। मंजुला वेट कर रही थी कि उसके पापा कुछ बोले, लेकिन मंजुला और उदास हो गई जब उसके पापा ने टॉपिक ही चेंज कर दिया।
मुझे अगले वीक बॉम्बे जाना है, वहाँ मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ताज होटल में, और उसके लिए मुझे मेरा सूट चाहिए। मेरे सूट को आयरन करके तैयार कर देना। बॉम्बे का नाम सुनते ही मंजुला सोचने लगती है कि बॉम्बे के लोग थोड़े अलग होते हैं, वे उसके हाथों को देखकर आपस में फुसफुसाएंगे नहीं, उसका मजाक नहीं बनाएंगे, और वहाँ पर तो एक आर्ट कॉलेज भी है। तभी उसकी माँ की आवाज़ आती है, मंजू क्या तुम मेरी मदद करोगी? मंजुला ट्रंक को नीचे करने में अपनी मम्मी की हेल्प करती है। मिसेस पारेलकर उस ट्रंक को खोलती है लेकिन फिर बंद कर देती है, और मंजू की तरफ मुड़ते हुए कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मंजुला बीच में ही उन्हें रोकते हुए कहती है, माँ प्लीज़। फिर मिसेस पारेलकर उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोलती है, नहीं मंजू, तुम ऐसे हार मत मानो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, उसे बाहर आने दो। मैं तो कहूँगी कि तुम लड़ो, फाइट मंजू फाइट। मंजू की आंखों में आंसू भर चुके थे। मिसेस पारेलकर फिर मंजू से कहती है, मंजू मेरी तरफ देखो, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना सीखना पड़ेगा, इनका सामना करने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हें बस उसे बाहर लाने की ज़रूरत है। मंजुला रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ प्लीज़ उपदेश देना बंद करो। वो अपनी माँ से कहना चाहती थी कि ये सारी गलती पापा की है, लेकिन वो कह नहीं पाई। वे भागते हुए अपने कमरे में चली गई। वहाँ उसने अपने चेहरे को तकिए से ढक लिया, लेकिन वो रोई नहीं, या ऐसा कहें कि उसकी आंखों में आंसू ही नहीं आए। फिर फाइनली वो अपने बेड पर उठ के बैठ गई। तभी उसकी नज़र न्यूज़पेपर कटिंग पे गई जो टेबल पे रखा हुआ था। फिर उसे देखते हुए वो खुद से कहती है, मैंने तो इसे नहीं रखा यहाँ पे। फिर उसे वो धीरे से पढ़ती है, प्लेइंग सॉकर विथ आर्टिफिशियल फिट, मतलब किसी के बारे में वो पढ़ रही थी जो नकली पैरों से सॉकर खेलता था। फिर उसने पूरा न्यूज़ पढ़ना शुरू किया। रिच पेलंगर जो न्यू हैम्पशायर से थे, उन्होंने एक ट्रेन एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो दिए। उन्होंने आर्टिफिशियल फिट से फुटबॉल खेलने का डिसीजन लिया। उसके कोच को पहले यह सब एक मजाक लगता था, उसके पेरेंट्स को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये जो लाइन था वो रेड कलर से अंडरलाइन किया हुआ था, लेकिन बेलंगर ने हार नहीं मानी और उन्होंने नासू टीम में अपनी जगह बना ली। मंजुला ये सब पढ़कर आश्चर्य में थी। वो सोच रही थी कि कितना ब्रेव लड़का है, उसने हार नहीं मानी। सारे लोग उसका मजाक उड़ाते रहे लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। शायद मम्मी ठीक कह रही थी, मुझे लड़ना होगा, रिच पेलंगर की तरह ही। मंजुला भागते हुए अपने कबर्ड की तरफ गई। वहाँ से उसने अपना पेंट और ब्रश निकाला और वापस से अपनी पेंटिंग की दुनिया में चली गई। जिस दिन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था, उसी दिन ब्रेकफास्ट के बाद अमोल ने अपनी माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूँ, वहाँ बहुत भीड़ होगी, रतन और मैं एंट्रेंस गेट पे ही रहेंगे। फिर वो मंजुला की तरफ देखते हुए कहता है, तुम तो नहीं आ रही हो, पर अगर तुम आती तो तुम्हें प्राइज ज़रूर मिलता। फिर मंजुला भी उसे देखकर बोल पड़ी, मैं अभी भी जीत सकती हूँ, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पर पेंटिंग बनाने के लिए मिलेगा। ये सुनकर अमोल इतना खुश हो गया कि वो उछलकर बोल पड़ा, इसका मतलब कि तुम पार्टिसिपेट कर रही हो, मैं जानता था कि तुम ज़रूर पार्ट लोगी, तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। तो मंजुला बोलती है, अगर रिच पेलंगर कर सकता है तो मंजुला पारेलकर क्यों नहीं। ये सुनकर अमोल उसकी तरफ बड़े प्यार से देखने लगता है। मिसेस पारेलकर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये दोनों भाई बहन क्या बातें कर रहे हैं। फिर वे बोलती है, रिच पेलंगर, कौन है ये रिच पेलंगर? तो मंजुला और उसका भाई दोनों साथ में बोल पड़ते हैं, रिच पेलंगर जो आर्टिफिशियल पैरों से सॉकर खेलता है। ये कहानी यहीं पे एंड होती है दोस्तों। देखा आप लोगों ने, मंजुला ने हार नहीं मानी, उसने अपनी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा लिए थे। जाते जाते आप लोगों से कुछ कहना चाहूँगी। आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। कहने का मतलब ये है कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यकीन मानिए, एक बार आपने खुद पे भरोसा कर लिया तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। बस खुद पे भरोसा करिए और हार कभी मत मानिए। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।